बड़ी खबर का रुख, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ जंग में रक्त की आपूर्ति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से मोबाइल रक्तदान शिविर शुरू। गहलोत के जन्मदिन 3 मई को लगते हैं शिविर। रक्त की जरूरत के कारण जन्मदिन से पहले आगाज इसका किया गया। गहलोत के समर्थकों ने रक्तदान करना शुरू कर दिया और साथ ही सेवा संस्थान का आगाज। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश मेरे साथ जुड़ चुके। योगेश, मुख्यमंत्री तो बेहद संवेदनशील है, इस कदम के बाद यह भी कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री को फॉलो करते हैं वो भी संवेदनशील है। देखिए, जो सीएम की टीम के जो लोग हैं और यूं कह सकते हैं कि जो वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके फॉलोअर माने जाते हैं, तो एक जानकारी, एक इनपुट उनके पास आया था कि डोनर्स जो होते हैं, जो अस्पतालों में डोनेट करते हैं ब्लड को, वो इस वक्त अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे। तो जितनी रक्त की आपूर्ति अस्पताल में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन 3 मई को है जी, और अभी 3 महीने शेष, उससे पहले ही ये रक्तदान कैंप आयोजित किए शुरू कर दिए गए हैं। और विजेंद्र, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल वैन, सैनिटाइज मोबाइल वैन अलग अलग इलाकों में जयपुर के जा रही है। आज सोडाला की तरफ थी, वहीं पर वाहन के अंदर ही रक्त लिया जा रहा है और उसे अस्पताल को दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि इस आपात स्थिति में रक्त की कमी ना हो, इस नजरिए बिल्कुल, से ये काम बिल्कुल। योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर, सीएमआर से।